हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है टीसीएस की तरफ से और पर्टिकुलरली ना वुमेन्स प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है। और अपना कमेंट मत करना कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इतना आपको पढ़ना आता होगा। टीसीएस टेक हायरिंग फॉर वुमेन प्रोफेशनल विथ 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो आपकी ब्रांच होने वाली है टीसीएस बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज इंश्योरेंस मतलब BFSSI, देन TSS कम्युनिकेशन मीडिया इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। और जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपकी 21 अप्रैल तक है और जो ड्राइव स्टार्ट होने वाली है 23 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वन बाय वन सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको जो भी अगर मैं कोई इन फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आप बाकी आप देख ही सकते हो मैं हर दिन काफी जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और इसी ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पर्टिकुलर चैनल होगा जॉब अपडेट रिलेटेड, जहां पर मैं काफी मतलब की जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड मतलब लिंक वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और एक ऑफिशियल चैनल भी है टेलीग्राम का, जहाँ पर सिर्फ क्या बोलते हैं ना, जो किसी भी कंपनी से कोई अपडेट आती है और काफी लोग वहाँ पर हैं जो आपस में मतलब कोई भी क्वेरी वगैरह होती है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देख सकते हो मुझे आया है, मुझे नहीं आया मतलब मेल जो आया हुआ है वो 8 घंटे पहले आया, लगभग रात को 3:30 बजे। तो यहाँ देख सकते हो टीसीएस टेक हायरिंग इन्वाइटिंग वुमेन प्रोफेशनल्स IT, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी चीजें बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में जो होने वाला है, जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 21 अप्रैल और जो ड्राइव आपकी स्टार्ट होने वाली है 23 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और हम कुछ जान लें 2 ईयर्स ऑफ रेवलेंट एक्सपीरियंस हु कैन फॉर द न्यू करियर बिगिनिंग री बिगिनिंग विद अस अ पार्ट ऑफ अवर ग्रोइंग जर्नी। उसके बाद आते हैं हम ब्रांच में मतलब किस किस टीसीएस की ब्रांच में ये जॉब अवेलेबल है, ठीक है। टीसीएस बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज इंश्योरेंस एंड टीसीएस कम्युनिकेशन मीडिया इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद में अबाउट बीसीएस ये सब आप पढ़ लेना वन बाय वन, ठीक है। तो आपके जो जानने के लिए चीजें हैं वो पहले एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो जनरल कैंडिडेट आपको अप्लाई कैसे करना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है जैसे अप्लाई करने के लिए TCS I begin करके है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने भर देना है, देन आपको स्क्रोल वन डबाए वन सभी चीजें भर के आपने अपना रेज्यूमे क्या बोलते हैं ड्रैग फाइल मतलब कि यहाँ पे आपको रेज्यूमे अपना अपलोड करना है और एक वीडियो रेज्यूमे अगर कर सकते हो ठीक है, नहीं तो नहीं, देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ऐसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो और क्या पढ़ लेते हैं हम, तो कैंडिडेट हुज स्किल सेट एक्सपीरियंस लेवल प्रोफाइल नॉट मैचिंग विद अवर मेंशन जॉब कोड Who are interested in applying TCS may still create profile I Bing portal can search for opportunity। मतलब अगर जो इस opportunity से मतलब कुछ इनका eligibility criteria होगा अगर आप उससे match नहीं करते हो तो आपको notification वगैरह नहीं आएगी, पर फिर भी आप जो इनका जो portal है ना I Bing portal वहां आप अपने profile बना लो, in future आपका कोई भी मतलब match होता है तो आपको क्या बोलते हैं notification वगैरह आ जाएगी। Then हम आते हैं eligibility criteria पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले बताया हुआ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या ऑल द अदर कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी एज पर द एप्लीकेबल पॉलिसी फॉलोड बाय मतलब वही पहले मैंने बताया, अगर आप एप्लीकेबल हो गए तभी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जॉब की बात करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी और काफी ज्यादा अराउंड 48 है, ठीक है। और हर एक जावा की होगी, आपकी जावा डेवलपर की होगी, कोर जावा ऑटोमेटिक टेस्टिंग देन UX, ठीक है, काफी ज्यादा है। तो आप अप्लाई जरूर करना और यहाँ से ना कोई भी जॉब अगर अप्लाई करनी हो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको वहां पे ले जाएगा, पहले तो आपको यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी ही पड़ेगी, ठीक है, जैसे देख सकते हो अप्लाई करने का, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो ये बात रही जॉब अपॉर्चुनिटी की। देन हम आते हैं आई री बिगिन क्या होता है, तो इफ यू आर ए वुमन प्रोफेशनल करियर ब्रेक इट इज अ ग्रेट टाइम टू री बिगिन, मतलब ये अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर वहां पे आपको ना 2 ईयर का कंटिन्यू वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लो कि अगर आपने पहले 2 साल काम किया कंटिन्यू बीच में छोड़ दिया तो वो वाला 2 ईयर कंसिडर होगा, ठीक है। तो आई थिंक जो चीज आपकी जानने लायक थी मैंने सारी वन बाय वन डिस्कस कर दी है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया है,
कैसी जॉब अपॉर्चुनिटी है, रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी है, ड्राइव कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो भी वुमेन प्रोफेशनल है तो अप्लाई जरूर करना, और ये वाला जो बिगन वाला प्रोफाइल है ये जरूर फिल करना। इसका भी मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, अप्लाई जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।